कूड़े की गाड़ी हुई, कूड़े का ढेर हुआ, सारी जगह इन्होंने अपनी इस तरीके से अपने कपलेबाजी करी है। बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी ने आपको क्या दिया? कूड़े का ढेर दिया। नाम मीनू शर्मा। आप लोगों को आने थोड़े दिन में 500 रुपए एमसीडी में देने पड़ेंगे। पद द्वारका विधानसभा से SC ST मोर्चा अध्यक्ष। टारगेट बीजेपी की बुराइयां करके दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जिताना। मैडम में इतना कॉन्फिडेंस है कि चीख चीख कर बीजेपी की बुराई कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, राजनीति में ये सब तो चलता ही है। लेकिन इन मोहतरमा को अपनी ही पार्टी के पार्षदों की संख्या तक नहीं पता, ये कैसी विडंबना है, आप भी जरा देखिए। तो यहाँ तो निगम पार्षद जी का घर है, बल्कि इनको तो यहाँ पे इलाका चमका के रखना चाहिए, साफ सफाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद कितने हैं? आम आदमी के पार्षद इतने हैं। वक्त पड़े पे देखा जा से ज्ञानी आदमी का। 45 के आम आदमी के हैं 45। तो सुना आपने, जिस पार्टी से ये मैडम SC ST मोर्चा अध्यक्ष हैं, उस पार्टी के पार्षदों की संख्या भी दूसरों से पूछ रही हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है। अब मैडम को ये भी कंफ्यूजन है कि दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, जरा आप ही देख लीजिए। आम आदमी के पार्षद ये मंगलापुरी से हैं, उनके इलाके में जाके देखिए, आपको साफ सफाई कोई ऐसी को अभी तक उनके इलाके में तो बहुत गंदगी रहती है उनके इलाके जी। नहीं, सर्वे किया? नहीं नहीं, सर्वे की आपने और कुछ बोल रखी? जो नालियां हैं उसमें सफाई नहीं है। देखिए वो तो अभी है ना, नाली तो अभी ज्यादातर चालू भी नहीं हुई है अभी तो इलाके में। नालियां जो नालियां बनी हुई हैं अभी बन रही हैं। किसने बनाई है वो? तो देखो नालियां तो गलियां तो दिल्ली सरकार की तरफ से ही बन रही हैं, उसमें सफाई का काम तो उनका है ना। सफाई का काम उनका कहां से? MCD का आ जाता है ना। MCD में ही तो है गिरता, उसी की बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, तो वो सफाई करवा रहे हैं, जहां तक हो सकता है वो सफाई करवा रहे हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बेबाकी से जवाब देना ही एक सफल नेता की पहचान होती है। आप जानते भी हैं कि भारत में अपने बोलने की कला से चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और इनकम ऑफिसर CM बन जाता है। लेकिन इस कला में मैडम का थोड़ा हाथ तंग है। अब जिस अमाउंट की चर्चा दिल्ली में बार बार हो रही है, वो अमाउंट तो आपसे ठीक से बोला ही नहीं जाता। आप नेता कैसे बनेंगी मैडम? ऊपर से कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार से हमें 13,000 करोड़ रुपए का घपला मांग रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं, दिल्ली सरकार को कोई 13,000 करोड़ रुपए नहीं देना। हम तो कहेंगे विधायक विनय मिश्रा जी, मैडम को थोड़ा टाइम दीजिए, इन्हें थोड़ा समझाइए कि जोश में होश ना खोए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।